नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर लक्ष्मी पांडे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से आज आपके लिए बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए एक नई सीरीज लेके आई हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अल्कोहल्स। ठीक है, तो आज हमारा पहला पार्ट है अल्कोहल्स का कि दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाट आर अल्कोहल्स एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड। इससे पहले मैं आपको कई सीरीज बता सकी हूँ जिसमें आज मैंने बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए नई सीरीज स्टार्ट करी है। तो व्हाट आर अल्कोहल्स, फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि अल्कोहल्स जिसमें कि अल्कोहल्स हम किसे कहते हैं जिसमें कि हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, सो दैट ग्रुप इज नोन एज अल्कोहल। इसे हम क्या कहते हैं, अल्कोहल के नाम से जानते हैं। अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसका अल्कोहल OL जिसमें जिस IUPAC नेम है उसमें क्या लगता है OL, अल्कोहल्स OL लगता है, उसे हम क्या कहते हैं अल्कोहल्स कहते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है। ठीक, अब अल्कोहल खाली अल्कोहल्स तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि अल्कोहल्स किसे कहते हैं जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं अल्कोहल्स कहते हैं। Alcohols on the basis of carbon chain and on the basis of OH group, they are classified into many categories. तो आज मैं आपको बता रही हूँ what are alcohols classification. Alcohols, first this is the classification of alcohols. Alcohol are classified into following types on the basis of number of OH group. हम इसमें alcohol को जो classified कर रहे हैं किसके basis पर कर रहे हैं, on the basis of OH group, number of OH group present in the molecules and the nature of carbon attached to the OH group are as follows. Carbon की chain में OH ग्रुप जिस तरह से जुड़े हुए होते हैं, नंबर ऑफ OH ग्रुप का कार्बन की चेन में जिस तरह से OH ग्रुप जुड़े होते हैं उसी के आधार पर उनको अल्कोहल को क्लासिफाई किया गया, जिसमें से हमारा पहला है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिसे हम कहेंगे फर्स्ट क्या है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दीज कंपाउंड कंटेन ओनली वन OH ग्रुप, इस तरह के कंपाउंड में केवल एक OH ग्रुप होता है, जैसे कि मैंने लिखा है एग्जाम्पल CH3CH2OH, ठीक आपका है CH, या कह सकते हो CH3CH2CH2CH2OH। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब है जिसमें OH ग्रुप होता है एक, मोनोहाइड्रिक एक OH ग्रुप होता है, इस तरह के अल्कोहल को हम किस नाम से नॉमिनेट करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के नाम से नॉमिनेट करते हैं। ये अल्कोहल हमारा कौन सा अल्कोहल होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। तो हमारा नेक्स्ट है डायहाइड्रिक अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम अटैच विद OH ग्रुप द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। क्या नेचर ऑफ कार्बन एटम, शर्त है कि कार्बन एटम का नेचर कैसा होगा उससे जुड़े हुए OH ग्रुप के आधार पर। कैसे देखिए, हमारा ये आपका है आपका ग्रुप जोड़िए, देखिए एग्जाम्पल ले रही हूँ CH3CH2OH जो आपको मैंने बोला अभी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। अब डायहाइड्रिक किसे बोलोगे, जैसे कि ये कार्बन है, जैसे ये आपका CH3 और ये हो गया CH3 और इसके साथ OH ग्रुप जुड़ा है, इसके साथ भी OH ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, तो ये CH3 नहीं रहा, बल्कि इसकी क्या हो गई चेंज हो गई, तो ये हो गया आपका CH2 और ये हो गया CH2। ठीक, तो दो अलग अलग कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, जैसे कि मैंने जोड़ा था CH2 और CH2। तो इस तरह के अल्कोहल आप कहने का मतलब इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं एग्जाम्पल CH3CH CH2OH, तो ये हो गया एक OH और ये हो गया दूसरा OH, तो दो अलग अलग कार्बन से दो OH ग्रुप जुड़ा है, दो अलग अलग कार्बन है उससे दोनों से अलग अलग OH ग्रुप जुड़ा है। तो इस तरह के अल्कोहल को हम कौन से अल्कोहल कहेंगे, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल, डाइहाइड्रिक से नाम से पता है सेकेंडरी अल्कोहल। तीसरा है टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल क्या हुआ देखिए, टर्शियरी अल्कोहल जिसमें ये हो गया एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, ठीक है टर्शियरी अलग हुआ और डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक अलग होता है। ट्राइहाइड्रिक क्या हुआ, तीन OH, एक कार्बन है इससे OH, दूसरा कार्बन है इससे OH और तीसरा कार्बन है उससे OH, तीनों कार्बन से अलग अलग OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के अल्कोहल को हम कौन से अल्कोहल कहेंगे, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के नाम से जानेंगे। इसी अल्कोहल हमारा क्या कहलाएगा, ट्राइहाइड्रिक। सो अल्कोहल कैन फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। अल्कोहल को मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं, मोनोहाइड्रिक करने का मैंने तरीका बताया, एक कार्बन से एक OH जुड़ा हुआ होता है मोनोहाइड्रिक, जब अलग अलग कार्बन से अलग OH ग्रुप जुड़े हैं लेकिन दो OH जुड़े हैं तो ये हो गया डाइहाइड्रिक, अगर तीन OH जुड़े हैं तो ये हमारे ट्राइहाइड्रिक हो गए। ठीक, लेकिन अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अलग होते हैं, यानी कि मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल को ही आप क्या कहोगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कहोगे। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स क्या होते हैं देखिए, प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल जो होते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम बाउंडेड विद द हाइड्रोक्सी बेयरिंग ग्रुप। इसके बेसिस पर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम बाउंडेड विद द हाइड्रोक्सी बेयरिंग ग्रुप। कैसे देखिए, जिसमें मैं फर्स्ट क्लासिफाइड करती हूँ आपको प्राइमरी अल्कोहल, जिसमें किससे रिप्रेजेंट करते हैं प्राइमरी को हम किससे करते हैं 1 डिग्री से, सेकेंडरी को इंट्रोड्यूस करते हैं 2 डिग्री से और टर्शियरी को इंट्रोड्यूस करते हैं 3 डिग्री से। प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, एक प्राइमरी अल्कोहल हैज एन अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बन बॉन्ड
to the OH that is compound in which the hydroxy group is bonded to the primary carbon. Primary carbon से क्या बता रहे देखिए, primary alcohol क्या हुआ, एक carbon, ठीक है, उस ये जैसे हमारे कोई carbon है, ये हमारा CH3 group है, ठीक, इस carbon में हमारे इधर से branch से इधर CH3 जुड़ा है, इधर CH3 जुड़ा है, तो इस कार्बन से OH ग्रुप तो जुड़ा है लेकिन इधर से भी ब्रांच है, इधर से भी ब्रांच है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल नहीं हुआ. प्राइमरी अल्कोहल होने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, कार्बन बॉन्डेड टू द OH ग्रुप. कार्बन किससे जुड़ा होना चाहिए, OH ग्रुप से, जैसे वो कह रहा है, एंड द कंपाउंड विद द हाइड्रोक्सी ग्रुप बॉन्डेड टू द प्राइमरी कार्बन. प्राइमरी कार्बन जिस प्राइमरी कार्बन क्या होता है, जिसमें केवल एक ब्रांच होती है उसे प्राइमरी कार्बन कहेंगे, जिसमें दो ब्रांचेज होंगी चाहे कोई भी ग्रुप जुड़ा हो उसे सेकेंडरी कार्बन कहेंगे, और जिसमें तीन ब्रांचेज होंगी उसे हम कहेंगे टर्शियरी कार्बन. तो हमारा क्या है, ये है आपका CH3 CH2 OH, इस तो इस तरह के कार्बन को कहिए. अब हम इसमें काउंट किसको करेंगे, इस कार ये OH इस कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन को इस कार्बन बना दिया मैंने, ये OH इस कार्बन से जुड़ा, तो ये कौन सा अल्कोहल हो गया, प्राइमरी अल्कोहल. हम अगर ऐसा एग्जांपल ले, सपोज जैसे ये आपका CH3, ये हो गया C, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2 और ये हो गया OH, ठीक. तो हम क्या देखेंगे, कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी. तो हम इस कार्बन को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे ये कार्बन है इससे OH जुड़ा है, ग्रुप जुड़ा, तो मैंने इसको फोकस कर दिया, इसको मैंने स्टार बना दिया, ठीक, ये मैंने स्टार बना दिया. तो ये कार्बन इस OH से ग्रुप जुड़ा है, इसके पीछे तो एक ब्रांच है ना, चाहे उसके पीछे चाहे आप कितनी ब्रांच लिख लियो. मान लीजिए आपने सपोज ये ऐसे लिखा हो CH2, यहाँ पर लिखा हो CH3 और ये लिखा हो CH3, तो इन पीछे के ये मटेरियल जो इतना मटेरियल है, ये मटेरियल हम इसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे ये कार्बन इस OH से जुड़ा है और इसमें केवल एक ब्रांच, इसमें शाखाएं नहीं निकली है. तो इस तरह के अल्कोहल को हम कौन से अल्कोहल के नाम से जानेंगे, प्राइमरी अल्कोहल. ये अल्कोहल हमारे पास अल्कोहल हो गया प्राइमरी अल्कोहल, ठीक. देन आफ्टर प्राइमरी अल्कोहल हमारा जो आता है नेक्स्ट इज द सेकेंडरी अल्कोहल. सेकेंडरी अल्कोहल जैसे कि मैंने बोला, जिसमें कार्बन से दो ब्रांचेस निकलेंगी, दो शाखे निकलेंगी, दो साइड ग्रुप जुड़े होंगे. क्या होता है देखिए, द सेकेंडरी अल्कोहल हैज टू अल्काइल ग्रुप अटैच टू द कार्बन बॉन्डेड OH एटम. द डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ OH एटम दैट इज द हाइड्रोक्सी ग्रुप बॉन्डेड टू द सेकेंडरी कार्बन. क्या मतलब, एक जिसमें जिस कार्बन से आपका OH ग्रुप जुड़ा है, ये कार्बन है इससे OH ग्रुप जोड़ रखा जिसे हमने, तो इसमें हमारे पास इस कार्बन से कितनी ब्रांचेस निकली होनी चाहिए, दो ब्रांचेस निकली होनी चाहिए. तो मैंने इस कार्बन से दो ब्रांचेस निकाल दी, जैसे ये हो गया आपका CH3 और ये हो गया आपका H. दो ब्रांचेस कैसे हुई, देखिए एक तो ये तो जुड़ा ही है, ये तो OH जुड़ा ही है, एक ब्रांच ही होगी, और एक इधर से क्या हो गया CH3 जुड़ गया, ठीक है. तो ये कार्बन में कितनी ब्रांचेस निकली, एक ब्रांच दो ब्रांच, और ये पीछे की चेन है. तो ये इस तरह के कार्बन को हम कौन से अल्कोहल के नाम से जानेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल के नाम से जानेंगे. या इसको ऐसे ले लीजिए, सी हो गया, ये हो गया CH3 ग्रुप, ठीक है, ये हो गया आपका CH3 ग्रुप हो गया, इसके साथ आपका क्या जुड़ा है, OH ग्रुप हो गया, और ये क्या है, CH3 जुड़ा है, ठीक. बाद में ये घुमा फिरा के मैंने इसको ऐसे करके जोड़ के बताया, और उसमें मैंने क्या लगा दिया, ऐसे लगा दिया, ठीक. तो ये अल्कोहल कौन सा अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल, जिसमें दो R ग्रुप जुड़े हैं. चाहे इसके पीछे तुम्हारे कितने भी, या इसके पीछे आपने ये लिया है, ये लिखा है CL, यहाँ पर लिख दिया CH3, यहाँ पर लिख दिया CH3, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपका मतलब इस वाले कार्बन से, और इस कार्बन में क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है. तो हमने फोकस इसको करा, और इससे कितनी शाखा निकली दिख रही है, एक ब्रांच ये निकली दिख रही है और एक ब्रांच ये, बस इस ब्रांच को देखा, ये ब्रांच निकली दिख रही है. तो ये कौन सा अल्कोहल हो गया आपका, सेकेंडरी अल्कोहल के नाम से जाना जाएगा. उसके बाद आते हैं हम तीसरे अल्कोहल की तरफ, जिसे हम क्या कहते हैं, टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं 3DCC. A tertiary alcohol has three alkyl group attached to the carbon bonded to the OH that the hydroxy group is bonded to the tertiary carbon. जिसमें तीन OH group जुड़े होते हैं, hydroxy group से तीन branches निकली होती है और एक hydroxy group होता है, इस तरह के carbon को कौन सा carbon कहते हैं, tertiary carbon के नाम से, यानी कि tertiary alcohol के नाम से जानते हैं. Suppose जैसे कि हमने ले लिया, फिर वही example कोई ले लेते हैं, तो हमने लिया ये CH3, अभी हम कहीं पर OH नहीं लगा रहे, ठीक है, हमने यहाँ पर लगाया OH, और इस OH से हमारी कितनी शाखा निकली होंगी, तीन निकली होंगी, एक ही हो गए, एक ही हो गई, कितनी निकली है, तीन ब्रांच, और इसके पीछे चाहे कुछ भी हो, मुझे ये देखना है कि ये कार्बन है, ये स्टार लगा दिया, तो एक ये हो गया, ये तो OH जुड़ा है, ठीक है, ये OH हो गया, ये मेन फोकस कर दिया. अब एक OH जो ग्रुप है, एक है, एक है, तीन ब्रांचेस निकली है, तो ये कौन सा अल्कोहल हो गया, 3DCC अल्कोहल हो गया. या ऐसा कर देते हैं कोई एग्जांपल, जैसे ये OH यहाँ पर बीच में लगा दिया सपोज, ठीक. अब हमारा ये कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई आपका फॉर्मूला ये है आपका, सपोज CH3, ये हो गया CL, ये हो गया CL और ये हो गया आपका OH, ठीक, ये आपका CL और ये हो गया CL, तो तीसरा हो गया आपका BR. तो हम इसको फोकस करेंगे, OH ग्रुप को फोकस करेंगे, तो दिस इज द OH ग्रुप, OH ग्रुप को फोकस करना, तो मैंने इसको स्टार बना दिया और मैंने ये चेक करा, ठीक, चेक करा, तो हमारे पास यहाँ पर कितनी ब्रांच निकली है, एक ब्रांच ये निकली है, एक ब्रांच ये निकली है, दो ब्रांच निकली है, तो टर्शियरी अल्कोहल नहीं हुआ, ठीक.
अब मैं इसमें एक ब्रांच और निकाल के यहाँ पर क्या लगा दे रही हूँ, सी एस थ्री लगा दे रही हूँ। तो देखिए कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो रही है, एक दो तीन चार, इस कार्बन की वैलेंसी चार सेटिस्फाई हो रही है। और कितनी ब्रांचेस निकल रही है, एक ब्रांच ये निकल रही है, एक ब्रांच ये निकल रही है और एक ब्रांच ये निकल रही है। कितनी ब्रांचेस निकल रही है, तीन ब्रांचेस निकल रही है। तो OH ग्रुप जहां पर भी जुड़ा है उसके रिस्पेक्ट में लेफ्ट राइट अप एंड डाउन देखेंगे, जितनी ब्रांचेस निकली होंगी उसके बेसिस पर उसको हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इंट्रोड्यूस करेंगे। इसको इस चीज को समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल जो मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे, अपने मन से बना के लिखे, कुछ एग्जांपल मैंने आपको सोबर रखे, देखे जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एयरपोर को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हमारा ये OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जिसमें प्राइमरी एल्कोहल है, ये कार्बन है, इसके साथ OH है, तो एक ब्रांच मतलब हाइड्रोजन तो वैलेंसी के लिए होता है, तो एक आर ग्रुप जुड़ा है इस कार्बन से, तो ये कौन सा एल्कोहल हो गया, प्राइमरी एल्कोहल। ये OH ग्रुप, ये एक आर दो आर, दो आर ग्रुप जुड़ा है, एच तो वैलेंसी के लिए होता है, एच तो कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, वो ब्रांच में काउंट नहीं होता है। तो दो ब्रांचेज निकली, एक ब्रांच ये निकली, एक ब्रांच ये निकली है, तो ये कौन सा एल्कोहल होगा, सेकेंडरी होगा। इस कार्बन को सिलेक्ट करा, एक ब्रांच ये निकली, एक ब्रांच ये निकली, एक ब्रांच निकली है, कितनी ब्रांचेस निकली है, तीन ब्रांचेस निकली है। तो इस तरह के अल्कोहल को कौन से अल्कोहल के नाम से जानते हैं, टर्शियरी अल्कोहल के नाम से जानते हैं। ठीक, कंबाइंड फॉर्म में अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को बात करेंगे तो देखिए फिर मैंने इसको एक ऐसे कर सकते हो, जैसे ये कार्बन है, हमने कार्बन को सिलेक्ट करा, हमारा ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस कार्बन में हमने देख रहे हैं कि इस कार्बन में हमारे पास तीन अलग अलग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को एक्सप्लेन किया गया। ये कार्बन है, इससे ये OH ग्रुप जुड़ा, तो ये OH ग्रुप जुड़ा, तो ये कार्बन की कितनी शाखाएं हैं, केवल एक शाखा है, ये एक शाखा मानी जाएगी, ये एक ब्रांच मानी जाएगी। इस कार्बन को हम इंट्रोड्यूस अगर करते हैं, ये कौन सा कार्बन, मैं आपसे पूछती हूँ कि ये कौन सा कार्बन है, तो ये आप कहेंगे प्राइमरी कार्बन है, क्यों, ये कार्बन है, इसके बाद इससे एक केवल एक ब्रांच निकली हुई है, तो ये कार्बन कौन सा कार्बन के नाम से जाना जाएगा, ये कार्बन होगा वन डिग्री कार्बन, यानी कि प्राइमरी कार्बन के नाम से जाना जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे सेकेंडरी, इसमें से कौन सा सेकेंडरी कार्बन कहा जाएगा, तो सेकेंडरी कार्बन के लिए हम OH को देखेंगे, दिस इज द OH ग्रुप, ये OH ग्रुप है, तो मैंने इस कार्बन को सिलेक्ट कर दिया, मैंने इस कार्बन को पॉइंट लगा दिया। ठीक, अब इस कार्बन देखेंगे कितनी ब्रांचेस निकली है, तो एक ब्रांच हमारी ये निकल रही है, दिख रहा है आपको, ठीक है, और एक ब्रांच आपकी ये पूरी ये निकल रही है, ये कार्बन और OH तो सिलेक्टेड है, एच तो वैलेंसी के लिए होता है, तो ये कार्बन कौन से कार्बन के नाम से जानेगा, सेकेंडरी कार्बन के नाम से। फिर इसमें पूछ सकते हैं, इसी क्वेश्चन इसी आपके एग्जांपल में पूछ सकते हैं कि इसमें टर्शियरी कार्बन कौन सा है, तो हमारा ये OH तो हो चुका है, ये OH भी हो सका, तो हम तीसरे OH को देखेंगे, हमने इस तीसरे OH को देखा, तो तीसरा OH इससे जुड़ा हुआ, तो मैंने इसको सिलेक्ट करके पॉइंट लगा दिया। अब इस कार्बन में चेक करेंगे तो ये तो हमारा सिलेक्टेड पोर्शन है, हम इस कार्बन को चेक करेंगे कितनी ब्रांचेस निकली, एक ब्रांच ये निकली, एक ब्रांच ये निकली, एक ब्रांच निकली, कितनी ब्रांचेस निकली, तीन ब्रांचेस निकली, तीन ब्रांचेस निकली है, तो ये वाला कार्बन जो होगा किस अल्कोहल के नाम से जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल, ये लिखेगा टर्शियरी अल्कोहल। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल है। ठीक, तो ये था हमारा जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल। थोड़ा सा डिफरेंस है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हाइड्रिक यानी कि OH ग्रुप को प्रायोरिटी देते देखते हैं, अगर एक कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है तो हम OH के आधार पर देखते हैं, अगर OH ग्रुप एक कार्बन से एक जुड़ा है तो प्राइमरी मोनोहाइड्रिक हो गया, दो कार्बन से अलग अलग OH ग्रुप जुड़े तो डाइहाइड्रिक हो गया, तीन कार्बन से अलग अलग OH ग्रुप के तो ट्राइहाइड्रिक हो गया। ठीक, ट्राइहाइड्रिक के बाद आपको पॉलीहाइड्रिक माना जाता है, अगर कार्बन के में कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा उससे ब्रांचेस के बेसिस पर यानी कि कार्बन के चेन के आधार पर देखा जाता है तो इसको वन डिग्री अल्कोहल, टू डिग्री अल्कोहल, थ्री डिग्री अल्कोहल के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। तो ये हमारा था जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।